हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं अपना निफ्टी पे ओपिनियन लेके आया हूँ। निफ्टी पे क्या चल रहा है? निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है, जो आप क्लोजिंग निफ्टी देख रहे हैं, 10553 पे क्लोजिंग हुआ है। एक अच्छी सी बढ़त दिखा करके 172 पॉइंट का ये क्लोज किया है। दिखाने को तो ये तो बहुत ऊपर तक चला गया था निफ्टी। तो अगर इंडिसेस में आप देखेंगे, बात करेंगे तो निफ्टी 10606 का भी हाई बना दिया था और 462 पे ओपन होने का, तो अच्छा खासा ओपन दिखाया था। लो 457 का भी बनाया था। इसको जाकर के 510 560 550 पे इसको जाके अच्छी खासी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही थी, 580 के आसपास, तो वहाँ से ये बैक लिया है। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कॉल दिया था, आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने 10200 का कॉल दिया था। आज 210-200 का भाव आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 10200 का कॉल जो मैंने आपको दिया था 170-160 के आसपास, आज 454 रुपया पहुँचा हुआ है। उसके बाद में इमीडिएट आपको 10500 का कॉल दिया था, ये भी था 55-60 रुपये में, आज ये 236 पे पहुंच गए। तो आप लोग श्योर शॉर्ट प्रॉफिट पे होंगे, नो डाउट। चाहे निफ्टी का कॉल हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे आइशर मोटर का हो, चाहे SBI का हो, चाहे यस बैंक का हो, आप लोग हर में प्रॉफिट में होंगे। और मारुति में हो, जितने भी मेरे आप चैनल पर देखे होंगे, ये सारे पे प्रॉफिट दिख रहा है और प्रॉफिट ही दिखेगा आपको आगे भी। अब जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है, अपने को लग रहा है ये एक बार 10900 जा सकता है। तो चलिए एक बार निफ्टी जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को, जो क्लोज हुआ है, तो उस पर एक बार एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी क्या दिखाता है अपने को, क्या पोजीशन पे दिखाता है। तो 2 तारीख को जो निफ्टी क्लोज हुआ है उसमें अगर देखते तो 37 एडवांसेस थे, 13 डिक्लाइन था। जो गेनर थे वो थे वेदांता, मारुति, BPCL, टाटा मोटर्स, अदानी। ऑटो सेक्टर बूम मारी थी, 4% के आसपास गेन देखने को गया था। ऑटो और मेटल सेक्टर इसका जो था हीरो था। और अगर देखें FI की खरीदारी और बिकवाली, तो FI ने 196 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और DI ने 852 करोड़ की नेट परचेज की थी। तो ये FI और DI का था। अगर इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स में देखिए सारे ग्रीन निशान पे है और फिक्स जो आपको जैसा बताया था मैंने वो थोड़ा निगेटिव है। आप देखिए ऑटो सेक्टर यहाँ पे देखिए, जो सेक्टर वाइज देखे जाएंगे तो आप देखिए ऑटो 4% के साथ, अब समझते 4% क्या गेन होता है। और अच्छी खासी मारुति एसर मोटर सब में गेन दिखा रहा है। मेटल देखिए 3% के साथ। और जो अब IT में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, IT निगेटिव है। और जब जब ये मार्केट जाएगा तो IT चूंकि अपने बूम पे डॉलर का जो गेन था वो ले चुका है और अपने बूम पे है, तो IT में आप पोजिशन अभी छोड़ दें तो चलेगा। आपको पोजीशन बनाना है तो मेटल, बैंकिंग में बनाइए, अच्छा रहेगा क्योंकि सरकार ने जो वो अनाउंसमेंट किया उसको, जो परफॉर्मेंस करेगी बैंक उसको और पैसा दिया जाएगा रिकैपिटलाइजेशन के लिए, वो अच्छा रहेगा। बैंकिंग, ऑटो और मेटल इसमें जाइए आप, बनाइए तो अच्छा पोजीशन आपको मिलने को मिलेगा प्राइवेट बैंक। तो ओवरऑल देखें तो Nifty 50 10553 1% चेंज करके दी। इसमें जो बढ़ने वाले शेयर थे वहाँ पे बताया दिया, तो वेदांता देखिए यहाँ पे जो 14 पॉइंट के साथ 6% के साथ गेन पे, मारुति 423 पॉइंट का। मारुति मैंने आपको बोला था डबल बॉटम फॉर्म कर चुकी थी, डबल बॉटम के पास वापस उसने एक अच्छा से फॉर्म दिया और वहाँ से इसने वापस क्लोज किया एक अच्छे फॉर्म, आप बहुत अच्छा फॉर्म। और ये अभी जाकर के 7500-7700 पहले रुकने वाला नहीं है। मारुति में अभी भी अगर किसी के पास है तो 7500 का कॉल या 7000 का कॉल लेकर के वो, या 7300 का कॉल लेकर के काम कर सकता है, बहुत ही फायदेमंद में रहेगा वो। अभी भी मारुति में कॉल बना सकते हैं। अभी टाटा मोटर्स में थोड़ी अभी खरीदारी तो चालू हुई है। BPCL में चूंकि ऑयल सेक्टर गिरा तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखने को गेन देखने को मिल रहा है। हीरो मोटर कॉर्प में भी अच्छा एक बॉटम बनने के बाद अब रिकवरी दिखा रहा है हीरो मोटर कॉर्प। सारे FMCG ये जो भी फाइनेंसिंग सेक्टर है अब ये भी थोड़ा बूम पे दिखा रहे हैं। आइसर मोटर देखिए, जिसका मैंने कॉल आपको बोला हुआ 22000 का बोला था, अब तो सोचिए 22000 के भाव आ गई, कितना फायदे में होंगे। अभी भी आप 25000 का कॉल ले लीजिए जो 185-190-200 के आसपास मिल रहा होगा। अब ये 27000 तक जा सकता है सर मोटर इसी महीने के एंड तक, तो आप बहुत ही नहीं तो दिसंबर तक तो जाना ही जाना है। तो आप दिसंबर का भी अगर कॉल ले लेते हैं ना 27 का 25 का भी, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। SBI का चाहिए तो आप यस बैंक का मैंने 200 का कॉल बोला था, अब समझिए यस बैंक के 200 का कॉल का कहाँ वैल्यू, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब 209 इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो आप लोग हर जगह कमा रहे होंगे, जहाँ पे भी आपने अगर कहीं पे भी पोजीशन बनाई होगी, पेपर ट्रेडिंग की होगी, तो आपको वहाँ पे फायदे में देखने को मिलेगा।
कोल इंडिया में थोड़ी गिरावट है और लोवेस्ट पे है कोल इंडिया। आईसीआईसी बैंक थोड़ा कुछ दिन से स्टक हो गया है, यहीं पे आकर के स्टकिंग पोजीशन दिखा रहा है। फार्मा में अच्छी खासी आपको गिरावट दिख रही है, इन्फ्राटेल सब में गिरावट देखी जा रही है। आईटी सेक्टर में जैसा मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा गिरावट है, तो देखिए टीसीएस बजाज 22 पॉइंट गिरावट है, बजाज फिनांस में भी थोड़ी सी गिरावट है, और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी फार्मा से भी थोड़ी सी यहाँ से रुझान मिल रही है, और विप्रो आईटी, फिटेक महिंद्रा आईटी, तो आईटी सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। इन डाटा यहाँ पे एडवांसेस 37 और डिक्लाइन 13 है, इन सब डाटा से क्या पता चल रहा है आपको? अभी तक तो कुछ समझ में आ रहा है? चलिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ कि चार्ट जो बोल रहा है ना ऊपर की ओर, आप इसको पॉजिटिव समझ के चलिए, पॉजिटिव। और ये चार्ट यही बोल रहा है कि अब तो खरीदारी आएगी मार्केट में। चलिए उसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको, कॉल पुट को भी एक बार ले लेते हैं। कॉल पुट में क्या देख रहे हैं, अंडर राइटिंग हो रहा है आपको, सब सारे लेवल पे हो रहा है, और राइटिंग हो रहा है 9700 पे, 2400 या 14 लाख का शेयर है, 214000 का, 9800 पे 157000 का, 26 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो अब जो है पोजिशन जो फ्यूचर को सेव करने के लिए बनाए थे, तो फ्यूचर खरीदते हैं, बाय करते हैं और ऑप्शन का पुट लेते हैं, तो अब 9700 पे इन्होंने पोजीशन बनाया है जो कि 14 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो 10000 पे है, 51 लाख सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10 लाख पे। अब आप 10 लाख तो टूटने से रहा, 10000, ये 10000 पोजीशन तो टूटने से रहा। अब आगे देखिए और कहानी क्या हो रही है, अभी 10200 पे 31 लाख का अंडरराइटिंग हो रहा, मतलब यहां से भी इनको भरोसा उठ रहा है कि 10200 भी अब नहीं टूटेगा। अब लोग 10400 की और 10300 पे बनाया 17 लाख का एडिशन कर रहे हैं, तो अब 10300 जो है ना बॉटम बन गया, और 10300 टूटना इतना ही नहीं है। अब 10300 पे पोजीशन देखेंगे तो 267000 के 18 लाख के आसपास यहाँ पे पुट का पोजीशन है। तो उसके बाद यहाँ पे भी 17 लाख का 10500 पे भी है। बाइंग किधर जनरेट हो रही है, बाइंग पुट पे तो ऊपर की ओर हो रही है, वो पुट नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि अब वो पॉइंट तो छूट गया, अब ये पॉइंट नहीं टूटना चाहिए। तो अभी 10300 जो है ना इम्पोर्टेंट लेवल, आप याद रखिए 10300 टूटता है तो वापस आपको 10150 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन वो टूटने वाला है नहीं। जैसी पॉजिटिविटी दिख रही है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, 10900 के आसपास का टारगेट देता है। कॉल साइड में क्या हो रहा है, कॉल साइड में देखिए सब जगह अनवाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, और कॉल अब ऊपर की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। अभी देखिए 10900 पे कॉल जाके शिफ्ट हो गया, अब नीचे की ओर छोड़ दीजिए, अब ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर का दायरा अभी भी फिक्स नहीं कर पा रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक जाएगा, तो ऊपर का दायरा अभी भी फिक्स नहीं हो रहा है। बट एट द मनी की बात करें, एट द मनी जो अपना है 10553 है 2 नवंबर का, 29 नवंबर की बात करें 10553, तो एट द मनी देखिए 10600 पे आसपास देखिए तो 8,15,000 शेयर है पुट में और 17 लाख है कॉल में, तो कॉल शायद आपका पल रहा है। 21 लाख का 10700 पे, आप अभी यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन बना सकते हैं। मेरे से पूछे तो मैं आपको 10600 का बोलूँगा 176 पे लेने के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपको, ये कॉल उठाना चाहिए 10600 का 176 पे। अगर वो 10900 पे जाएगा जो कि 55 रुपये का आपको मिल रहा है अभी, तो समझिए उसकी वैल्यू अच्छी खासी यहाँ से 300 पॉइंट 200 पॉइंट और बढ़ के मिलेगी आपको। आपको अगर 10600 ले रहे हैं 300 पॉइंट बढ़ेगा तो 10200 के आसपास के भाव देखे 454, 431, तो आपकी ये जो भाव है 10600 का भाव 176 ये डबल हो जाएगा, 350 का हो जाएगा। 10600 की कॉल को आप बाई कर सकते हैं और 10900 का इंतजार कर सकते हैं। 10900 पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 3 लाख का ऐड हो रहा है। अगर निफ्टी के चार्ट पे भी चले, निफ्टी के फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कहानी को देखें, तो अगर ये 38% भी अगर रिकवर करता है तो पहला तो 23% 10705 पे है, तो पहले तो 10705 पे इसको जाने दीजिए जो चला ही जाएगा। उसके बाद मेरे को जो मिली भी है 10901 पे भी जाएगा। तो मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ये जो डाउन से फॉल हुआ था, हर अपर लोअर से नीचे तक जो फॉल हुआ है, मैं उसी का लेवल से पकड़ रहा हूँ, उस लेवल को भी मैं पकड़ता हूँ। नीचे मैंने इस विक को विक को छोड़ दिया है, तो मैं इस पोजिशन को पकड़ता हूँ तो मेरे को 10705 दिखता है, 10901 दिखता है, तो यहाँ पे तो इसको जाना चाहिए 10701 फिर 10901। तो मेरा है कि पहले ये 10705 क्रॉस कर ले और फिर 10900 की ओर बढ़ जाए, जो कि पॉसिबिलिटीज है बढ़ सकती है।
अगर मैं इसका क्यों बोल रहा हूँ बढ़ रहा है, बढ़ने का ट्रेंड क्यों बता रहा है, तो अगर मैं इसके डेली चार्ट पे देखूँ, तो आवरली चार्ट पे चलिए देखते हैं इसको, एक आवरली चार्ट पे देखते हैं। तो आवरली चार्ट पे देखिए ये थोड़ा सा निगेटिव लास्ट मोमेंट पे दिखा रहा है, और डेली चार्ट पे अगर देखते हैं इसको, तो डेली चार्ट पे देखते हैं ये ब्लू वाली लाइन जो है आपको क्रॉस करते हुए नजर आ रही है, ब्लू वाली लाइन जो कि 13 दिन का 10,355 है। अगर मैं 5-8 और 13 दिन का डेमा दिखाऊं, तो आपको देखिए कि ये रेड वाली लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू वाली लाइन ऊपर की ओर निकल रही है, चाहे वो CCI हो चाहे वो RSI हो, यहाँ पे सब में आपको बाइंग पोजीशन का सिग्नल मिलता है डेली बेसिस पे अगर ट्रेंड देते हैं तो देखते हैं। तो अगर मैं उसी तरह यहाँ पे इसको अगर मैं 10 यहाँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने देख ही लिया, अगर मैं इसको रिमूव करके इसको डेली बेसिस पे देखूँ तो वीकली बेसिस पे देखो, मंथली बेसिस पे देख लेते हैं इसको, मंथली बेसिस पे तो बता ही दिया आपको, अब इसको हम वीकली बेसिस पे देखते हैं। तो वीकली बेसिस पे भी देखें हम, तो अगर इसका हम डेमा देखें 5 दिन का और 1 मिनट जस्ट इसका ना पचास 100 और 200 जनरली हम देखते हैं। तो मैं अगर इसका देखूँ तो यहाँ पे इसका डेमा देखूँ तो अब ये काम कर रहा है 10,553 पे, तो ये क्या क्रॉस करके काम कर रहा है, तो आप देखेंगे ये वाले 200 का 9,264 आ रहा है और 100 का 10,115 आ रहा है, ये सबको क्रॉस करते हुए वो जो अभी नेक्स्ट क्रॉस करने वाला 50 दिन का क्रॉस करने वाला जो 10,627 है वो भी क्रॉस कर जाएगा ये। तो आप देखेंगे 9 दिन का जो डेमा 10,644 इसको एक बार क्रॉस कर लेने दीजिए यहाँ से, तो आपको यहाँ से 10,644 क्रॉस करता है 10,700 जो कि आपको मैंने बोला भी वहाँ पे, तो ये एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। इसको डेली बेसिस पे ही देखिए आप तो समझ में आएगा, इसको डेली बेसिस पे देखेंगे तो आप इसको ये 9 दिन का 10,342 क्रॉस कर चुका है, 20 दिन का इसका एवरेज है 10,428 उसको क्रॉस कर चुका है, 50 दिन का इसका जो मूविंग एवरेज है वो 10,717 है, आपको जैसा उधर भी बताया उस चार्ट में भी बताया मैंने 10,717 है वहाँ पे भी आ रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो कि 25% है, तो 10,717 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद 10,828 आएगा, 10,828 का 200 का डेमा 10,702 का है, तो 10,717 10,702 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको क्रॉस करता है तो आपको 10,828 और वो क्रॉस करता है तो 10,900 ये आपको देखने को मिलेगा, मिलना ही मिलना है, श्योरिटी है 100% श्योर है, ये आपको 10,900 जाना ही जाना है इसको। और तो ये सारे मेरे एजुकेशनल पर्पज से है, और किसी को पोजिशन बनानी है तो पेपर ट्रेडिंग करें, और अपने अगर डायरेक्ट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, फिर भी 10,900 का निफ्टी का कॉल बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको जो बाइंग करना है 10,600 का करना है, जो कि आपको मिल रहा है 10,600 का कॉल जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 176 रुपये पर, तो 170 के आसपास आप ट्राई कीजिए इसको मिल जाएगा, और मार्केट गिरता है अगर तो 150 के आसपास आपको मिल जाएगा, तो 150 से 170 का ट्राई कीजिए, एक लॉट लीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, 10,900 में जाएगा, प्रॉफिट बुक कीजिए, 350 का भाव रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद, नीचे दिए बटन को सब्सक्राइब करें और लोगों को फॉरवर्ड करें जिनको निफ्टी की जरूरत होगी, अच्छा रहेगा उनके लिए, उनके नॉलेज के लिए, उनके ज्ञान के लिए, देखते रहें ऐसे ही और फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, धन्यवाद।